टेलोसेंट्रिक। अच्छा ये टेलोसेंट्रिक क्या चीज है? ये क्या होता है? क्रोमोसोम जो होते हैं उनके चार अक्साम होती है, चार किस्म के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्या हम क्रोमोसोम के बारे में तो जानते हैं, मतलब क्रोमोसोम जो होता है किस तरह और कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे जिस्म के अंदर कितने किस्म के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये मतलब एवरी पर्सन नो अबाउट इट, के इसके बारे में तो मतलब हर कोई जानता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं हमारे एक सेल के अंदर कितने, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम, यानी कि 23 पे आप क्रोमोसोम हमारे सेल के अंदर पाई जाती है, और वो क्या होती है, और क्रोमोसोम जो होती है वो बहुत ही अहम, यानी कि अफगान इनका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। और ये कितने किस्म के होते हैं क्रोमोसोम जो होते हैं? ये चार किस्म के क्रोमोसोम जो होते हैं हमारे, यानी कि एक सेल के अंदर जो 23 पे आप क्रोमोसोम है, ये कितने, चार किस्म के और पाए जाते हैं, फोर काइंड्स, इनके मतलब चार किस्म। पहले को हम क्या कहते हैं, हमने पढ़ा के टेलोसेंट्रिक, ये किस तरह होता है, इन क्रोमोसोम्स की शिकिल डंडी नुमा यानी कि रॉड शेप होती है। ये जो किस्म के यानी कि क्रोमोसोम जो होती है, और ये क्रोमोसोम किस तरह होते हैं, ये जो क्रोमोसोम पहले नाम, चार किस्म के क्रोमोसोम ने पढ़ा कि पहले किस्म का क्या होता है टेलोसेंट्रिक, इसको नाम दिया गया है। और ये किस तरह होते हैं, राड शेप होते हैं, जो टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं इनका शिकिल किस तरह होता है, बिल्कुल जो राड के जो शिकिल होता है उस तरह इनका शिकिल होता है, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के शिकिल राड शेप होता है। इनके आखिरी सिरे पर सेंट्रोमियर मौजूद होता है। सेंट्रोमियर जो है मतलब सेंट्रोमियर के लिहाज से हम अगर किसी भी क्रोमोसोम के, हम कह रहे थे मतलब चार किस्म के क्रोमोसोम, ये ऐसे चार किस्म के क्रोमोसोम नहीं होते, बल्कि सेंट्रोमियर के यानी कि मौजूद होने की वजह से क्या होता है, इनको हम यानी कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के लिहाज से इनको मतलब हम कहते हैं चार किस्म के होते हैं। सेंट्रोमियर क्या होता है, मुख्तलिफ जगहों पर पाई जाती है, इस लिहाज से हम अगर तकसीम करें तो हमको मिलते हैं चार किस्म के क्रोमोसोम्स, मतलब पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर इन सेल, POSIT, पोजिशन ऑफ यानी कि सेंट्रोमियर, पोजिशन ऑफ सेंट्रो, पोजिशन विद द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर देयर आर फोर काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि यानी सेंट्रोमियर की पोजिशन के लिहाज से क्रोमोसोम्स की अकसाम कितने हैं, चार अकसाम है। विद द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर देयर आर फोर काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम, इस तरह हम मतलब इसको डिफाइन करेंगे, मतलब सेंट्रोमियर के पोजीशन के लिहाज से कितने किस्म के होते हैं, चार किस्म के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि सेंट्रोमियर की पोजीशन विद द पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम, विद द पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम्स पाइन पॉइंट जो होते हैं, मतलब इनको लिखना उनके बारे में, उस टॉपिक के बारे में पढ़ने के लिए बहुत ही आसान होता है। विद द पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमो विद द पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम दियर आर फोर काइंड ऑफ, विद द पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, विद द सॉरी विद द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर नॉट क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर विद द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, विद द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर दियर आर फोर काइंड ऑफ क्रोमोसोम। मतलब जो सेंट्रोमियर के लिहाज से क्या होता है, विद द पोजीशन ऑफ, विद द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर दियर आर फोर काइंड्स, सेंट्रोमियर के पोजीशन के लिहाज से पहले जो हमने पढ़ा कि टेलोसेंट्रिक, इनके क्या होता है, इनकी क्रोमोसोम की शिकल डंडीनुमा, इनकी रॉड शेप होती है, और इसकी शिकल जो बिल्कुल रॉड के शिकल के होती है, और इस तरह के जो क्रोमोसोम होती है इनके आखिरी सिरे पर क्या होता है, सेंट्रोमियर इनके आखिरी सिरे पर होता है टेलोसेंट्रिक के। एंड नेक्स्ट टाइम वी टॉक अबाउट एक्रोसेंट्रिक।